विवेक कॉलेज में चल रही नेशनल थ्रो बॉल चैंपियनशिप का शानदार समापन हुआ। कर्नाटक ने दोनों वर्गों में नेशनल थ्रो बॉल चैंपियनशिप जीतकर साबित की अपनी बादशाहत। विवेक कॉलेज में 43वीं नेशनल थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2023 के अंतिम दिन महिला वर्ग में कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को 2-0 से हराकर फाइनल अपने नाम किया। वहीं पुरुष वर्ग में कर्नाटक ने तमिलनाडु से 2-1 से मैच जीतकर फाइनल को अपने नाम कर लिया। पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तृतीय स्थान पर आंध्र प्रदेश और दिल्ली संयुक्त रूप से रहे। महिला वर्ग में प्रथम स्थान पर कर्नाटक, द्वितीय स्थान पर आंध्र प्रदेश तथा तृतीय स्थान पर तेलंगाना एवं तमिलनाडु रहे। महाविद्यालय के चेयरमैन अमित गोयल, उपाध्यक्ष सीमा गोयल ने विजेताओं को पुरस्कृत तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करते हुए महाविद्यालय के चेयरमैन अमित गोयल ने कहा कि हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक टीम जीतती है तो दूसरी हारती है। हमें इससे ऊपर उठकर अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। एशियन थ्रो बॉल फेडरेशन के सचिव टी रमन्ना ने विवेक कॉलेज की व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि अगर मौका मिला तो हम इंटरनेशनल थ्रो बॉल चैंपियनशिप को बिजनौर में ही कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने प्रतियोगिता की सफलता के लिए अमित गोयल जी का आभार व्यक्त किया। अंतिम दिन का शुभारंभ एशियन थ्रो बॉल फेडरेशन के सचिव टी रमन्ना, उत्तर प्रदेश थ्रो बॉल फेडरेशन के सचिव पपल गोस्वामी, महाविद्यालय के चेयरमैन अमित गोयल, उपाध्यक्ष सीमा गोयल जी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। महाविद्यालय की क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार ने बताया कि इंटरनेशनल चैंपियनशिप मार्च 2024 को दुबई में की जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय के डॉक्टर हितेश शर्मा, डॉक्टर राजीव चौधरी, डॉक्टर रजवान अहमद, डॉक्टर रमेश धुति त्यागी, पंकज त्यागी, डॉक्टर संदीप कुमार रंगनाथन, MG प्रदीप शर्मा, रजनीश आदि सभी प्रवक्ताओं का विशेष सहयोग रहा। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।